फिर टैटूइंग है, टैटूइंग हराम है। टैटूइंग अगर हराम है तो टैटूइंग ने आपको बेनिफिट्स भी तो दिए, जिनके स्कार्स थे, इंजरीज थे फेस पे, बॉडी के ऊपर बर्न केसेस थे, उनको तो इसने कवर भी करना शुरू कर दिया। I'm the first person in my entire family, the first person in my entire friend circle to even think about getting a tattoo. Tattoos to me are just collecting art. Like people get piercings to accessorize themselves, or वैसे भी in lots of cultures, तो tattoos have, you know, spiritual significance as well. But like that's not the case for me, क्योंकि I didn't grow up with tattoos. यहाँ पे tattoos का culture भी नहीं है. तो for me it's just collecting art. And I do like art. मैं खुद ही भी करती हूँ और मैं दूसरों को encourage भी करती हूँ कि doodles करें, जो कुछ भी करें. तो I think art is very important. And if you have the opportunity to sort of immortalize art on yourself, you should take that opportunity. The whole world is still relatively conservative, and especially Pakistan. So being a woman specifically, I can't say that I have participated in something immoral, because that will haunt me for the rest of my life. If I have to find a job, if my tattoo is visible, see the rejection. ये परमानेंट इंक है टैटूइंग की, और ये नीरो बेस की, ये हमारा डिजाइन है आज का। मेरा नाम हैदर अली शाह है, मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। पिछले 14 साल से मैं टैटूइंग कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, और इट्स बीन मोर देन 14 आई थिंक, मोर देन 14 इयर्स। ब्लैक एंड ग्रे कलरफुल सब इस टाइप के डिफरेंट टैटूज कर रहा हूँ, और पढ़ भी रहा हूँ मैं साथ साथ, साइकोलॉजी कर रहा हूँ मैं। माशरे में मैंने कहा था मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ सोच होती हैं। कुछ उसको फैशन के लिए बनाते हैं, फिर लेज़र करवा लेते हैं, रिमूव करा लेते हैं। कुछ लोग इसको अपनी अच्छी यादों को अपने जिस्म पे बनवा लेते हैं, हमेशा के लिए उसको याद रखना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं उसको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर कोई इंजरीज होती हैं, बर्न केसेस होते हैं, विटिलाइगो के पेशेंट्स हैं, वो कवर अप के लिए टैटू बनवाते हैं कि हमारा जो है ना ये स्पेशल, अगर कोई एक पैच है शोल्डर पे है, फेस पे है, नेक पे, कहीं पे भी, उसको सेम टोन में स्किन टोन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर टैटू भी बना सकते हैं, उसको कवर भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइडियाज़ से टैटूज़ लेके आते हैं, अपने ऊपर टैटूज़ लेके लाइक बनवाते हैं। तो देयर इज़ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल विद डिफरेंट थॉट्स। आप करना चाहें तो फिल कर सकती हैं, अगर आप चाहते हैं उसके अंदर थोड़ा शेड हो तो शेड भी कर सकते हैं, लाइट शेड करके छोड़ देते हैं, अगर आपको उसको फिल करना है तो हम फिल कर देंगे। मतलब बस ये कि उसका फिर स्कैल्प ज्यादा बड़ा बन जाए। यू कैन पुट लिटिल बिट शेडिंग, लाइक वी कैन गो ओवर दैट किसी और टाइम, यू नो। हां, बट मैं उसको ऐसा शेड कर दूं, आई थिंक आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, या इट्स लाइक अ मंकी। अरे अभी ड्रैकुला आता है। अच्छा, एक तो आपने बताया था कि You tattooed your finger खुद ही से। Yes। तो उसके अलावा like interest कहाँ से शुरू हुआ था? मुझे actually बचपन में हम लोग drawings करते थे बहुत। हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा academies थी जहाँ पे खताती, calligraphy यानी कि सिखाते हैं जो Persian calligraphies थे। अगर पाकिस्तान में मैं कोई ऐसा tattoo बनवाऊँ जो कि थोड़ा सा भी visible हो तो फिर I'll be labeled as a ख़राब औरत और immoral, या फिर मैं कुछ सही नहीं कर सकती, nobody will, you know, trust me. तो अगर मैं शोल्डर पे टैटू बनवाया है तो छुपाने के लिए ही बनवाया है, और मैंने सिर्फ उन लोगों को दिखाया है जो मेरी तरह सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, यू नो, सेम माइंडसेट के हों, और यू नो दे जस्ट वुडंट रियली माइंड, दे वुडंट केयर कि मैंने ऐसा कुछ किया है जो कि इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग। पाकिस्तान में मैं पिछले 14 साल से मैं देख रहा हूँ इस तरह ही हो रहा है कि आपने बहुत अच्छा टैटू करवाया है, आप छुपा क्यों रहे हैं? आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं,
ठीक है मुआशरा है हमारा ऐसा, लेकिन आप बताएं को कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है वक्त के साथ साथ, लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी कुछ जगहों पर ऐसा है कि लोग छुपाते हैं टैटूज। सेलिब्रिटीज़ जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनको अपना अपनी मंजिल का पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो दे आर इन कॉन्फिडेंट टू डील विद द पीपल इन द मार्केट इन द मॉब ना, कि आंसर कर सकें उनको। थोड़ी देर बाद इसको क्रीम श्रीम और आप बल्कि उठ के देख भी सकते हो। लोग शॉक हो जाते हैं कि टैटू आर्टिस्ट इससे क्या जिंदगी बनाएगा, बताएंगे कि क्या कमा लेगा, क्या बना लेगा। अनएजुकेटेड लोग इस वजह से इसको टैबू कंसीडर करते हैं और इसको रिलीजन में जोड़ देते हैं। डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर डिफरेंट बिलीव्स हैं, लाइक इफ समवन इज फ्रॉम अहले सुन्नत वल जमात दे बिलीव दैट इट्स हराम, बट सेम ऑन द अदर साइड इन शिया इस्लाम पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन गेट अ टैटू इफ यू बॉर्न इन शिया कम्युनिटी। ये एक्चुअली अगर इसकी हिस्ट्री में चले जाए ना, तो पुराने ज़मानों में जब जंगें होती थी ना, लोग एक दूसरे के आर्मी को स्लेव्स बनाते थे, लाइक क्या कहते हैं उनको, कैदी जो बनाते थे ना, उन पर स्टैम्प्स कर देते थे। उस स्टैम्प इतना पेनफुल होता था कि उसके अंदर वो एक्चुअली स्टैम्पिंग बॉडी ब्रांडिंग में आती है कि आप एक लोहे को गर्म करो, फिर किसी की स्किन पर लगाओ और उसके अंदर चारकोल भर दो, तो इट्स अ मार्क के प्लीज़ माई स्लेव, ये मेरा स्लेव होगा लाइफ टाइम। तो प्रॉफिट ने उस टाइम पे लोगों को मना किया था इस चीज़ से कि भाई ये काम छोड़ दें, आप इस तरह की स्टैम्पिंग मत करें, तो वो नेगेटिव वे में बहुत लोग करते थे। फिर एक टाइम आया जब ज्यूइश कम्युनिटीज़ ने टैटूइंग स्टार्ट की थी दुनिया में बहुत प्रोफेशनली, फेस पे ख़वातीन करती थी, चिन पे डॉट्स बनाना, फेस पे मोल्स वगैरह बनाना, आईब्रोज बनाना, तो वक्त के साथ साथ इसमें बहुत तब्दीली आई। तो मेरे ख्याल से ये जो माशरा था, ये जो सब कॉन्टिनेंट का खत्ता ये पूरा, ये बहुत सख्त इस्लाम लेके आ गया मार्केट में कि आप नेल पॉलिश भी हराम है, मेहंदी हराम है, फिर टैटूइंग है, टैटूइंग हराम है। टैटूइंग अगर हराम है तो टैटूइंग ने आपको बेनिफिट्स भी तो दिए, जिनके स्कार्स थे, इंजरीज थे फेस पे, बॉडी के ऊपर बर्न केसेस थे, उनको तो इसने कवर भी करना शुरू कर दिया। जहाँ तक वजू का ताल्लुक है, इसमें भी मुख्तलिफ लोगों के बिलीव्स हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने टैटू भी करवाए। मेरे फैमिली में सारे रिलीजियस लोग हैं, सारे नमाजी लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने टैटू करवाया, और माशरे में भी हमने देखा ऐसा। दूसरा, जहाँ तक स्किन के अंदर जाने की ताल्लुक है, यानी इंक का स्किन के डेप्थ में जाके बैठना और फिर वजू का उसके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ना, पहले तो ये इंक्स ऐसी हैं नहीं पॉइजनस, या ऐसी कोई इंक्स यूज़ नहीं होती जो कि हराम हो, ये सारी ऑर्गेनिक इंक्स हैं। अभी लैब्स में जो इंक्स बनती हैं वो टेस्ट होके आती हैं हर तरफ से, और उसमें मैंशन होता है कि ये ऑर्गेनिक है, इससे आपकी स्किन को कुछ नहीं होगा। जहाँ तक पानी नहीं जाने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से पानी सब जगह जाता है, पोर्स में पानी जाता है और पोर्स से पसीना भी बाहर आता है, तो आई थिंक के इस चीज़ को उसके साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनती है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, शायद लोगों को इससे इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। तो आई थिंक के हर बंदे की एक अलग ना पर्सनल बिलीव है, वो किसी और के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कह सकता कि जी ये चीज़ें ठीक है, या आपकी पर्सनल आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। यार अगर मुझे मार दिया ना तुम लोगों ने, मस्त सी पार्टी कर ली है मेरी कब्रिस्तान वाली एरिया में आके, ठीक है धूम धड़क्का होना चाहिए मस्त किस्म की पार्टी करनी है। यू शुड सेलिब्रेट योर लाइफ इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग योर डे। यस सेलिब्रेट, इसको ऐसा सेलिब्रेट करें कि कोई गया।